आया होगा कि ये जो 650 cc का इंजन है ना, ये हीट काफी प्रोड्यूस करता है। लेकिन भाई ये वाली बात है कि ये जो नई गाड़ी है ये एवरेज आपको 27। वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन। तो भाई आज है हमारे पास म्यूटियोर की 650, ठीक है। और इस बाइक के लिए भाई बहुत ज़्यादा लोग पागल हो रहे हैं, क्योंकि ये है भाई जो 650 ट्विन आती है अपनी इंटरसेप्टर और जीटी वाली, उसी का इंजन सेम शेयर करती है बट एक क्रूज़र प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज इसी के ऊपर बात करने वाले हम कि भाई रॉयल इनफील्ड क्या ऑफर करता है अपनी सुपर म्यूटियोर 650 के अंदर, और इसके साथ ही साथ अपन वहाँ पे जो छोटी वाली म्यूटियोर खड़ी है 350 वाली, उसका भी बताएंगे आपको, इसका भी बताएंगे कि क्या क्या डिफरेंस है भाई दोनों के अंदर, ठीक है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। और तो गाइस स्टार्ट करते हैं इसका परफॉर्मेंस से पहले। इसके अंदर आपको मिल जाता है 650 cc का इंजन, ठीक है, रॉयल इनफील्ड का ट्विन सिलेंडर वाला, जो कि भाई बहुत ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है इस गाड़ी के अंदर, ठीक है। और ये बाइक ना भाई क्रूज़र प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है। इसकी है ना मतलब ये लगा लो रोड प्रेजेंस भाई हार्ली डेविडसन जितनी है, और मॉडिफिकेशन वाला करने के बाद, विंडस्क्रीन वाला लगाने के बाद तो भाई हार्ली जैसी मतलब चौड़ी हो जाती है, ठीक है। इसके परफॉर्मेंस की बताऊँ 650 cc का इंजन है, ट्विन सिलेंडर है, ठीक है। और दोनों साइड इसके एग्जॉस्ट आते हैं, और इसका अपना फ्यूल टैंक आता है भाई 16-17 लीटर का फ्यूल टैंक है इसका। हाईवे क्रूजिंग की तो बाप है भाई ये बाइक, मतलब इतना एक फ्यूल टैंक कराओ भूल जाओ वाली काम है। लेकिन भाई ये वाली बात है कि ये जो नई गाड़ी है ये एवरेज आपको 27 से 30 के बीच के अंदर देती है, ठीक है, जो कि मेरे को अच्छा लगता है कि भाई 650 cc की बाइक की इतना अच्छा एवरेज दे देती है, क्योंकि ये ट्विन सिलेंडर है, ये फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है, ठीक है। और लुक इसके काफ़ी भाई ब्रॉड है, पीछे से का लुक भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पीछे का लुक है, थोड़ी थोड़ी रिजेंबल करते हैं 350 से ही, लेकिन ये काफ़ी मतलब अलग भी है। मतलब भाई रॉयल इनफील्ड ने ना पूरा गेम चेंज कर रखा है इस वाली सुपर मीटियोर को लॉन्च करके। इसकी वेटिंग पीरियड ये 3-3 महीने, 3-3 महीने लग जाते हैं वेटिंग पीरियड में इसके, ठीक है। और इसके काफ़ी सारे वेरियंट आते हैं, कलर वाइज डिपेंड करता है, उनका प्राइस भी अलग अलग है, ठीक है। ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, 3 से 5 हज़ार का डिफरेंस आता है सारे कलर्स के बीच में, जो की बात है। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं गाइस। इसके अंदर आपने कंपनी इसको इसके अंदर दे देती है आपको ऑयल कूलिंग के लिए सिस्टम, ठीक है। मेरे को लेकिन वही वाला इशू है कि ये थोड़ा छोटा लगता है मेरे को, क्योंकि जो भी मैंने आप में से जो भी होंगे मेरे जीटी वाले वीडियोस देखे होंगे, उसमें आपको मैंने बताया होगा कि ये जो 650 cc का इंजन है ना, ये हीट काफ़ी प्रोड्यूस करता है, तो इसकी कूलिंग के लिए ना कंपनी को थोड़ा बड़ा रेडिएटर देना चाहिए, ऑयलिंग कूल सिस्टम देना चाहिए और बड़ा सा, ठीक है। और अगली बात कर लेते हैं गाइस, इसके ना थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस वही है अपने इंडिया के हिसाब से थोड़ी सी कम है, बट भाई एक क्रूज़र गाड़ी है हाईवे के लिए बनी हुई है, तो आप वो चीज़ दिमाग में रख के लेना है इसको जब भी लोगे, ठीक है। और लुक्स में है ना मैं ये कहूँगा कि भाई ये कम नहीं है जीटी और इंटरसेप्टर से, उनसे बड़ी ही है, उनसे ज़्यादा इसकी रोड प्रेजेंस भाई, क्योंकि खुद ही देखो ना यार क्रूज़र बाइक है कितनी चौड़ी है, ये देखो लेग गार्ड वाला लगे हुए हैं, लाइट वाइट लगी हुई है, एकदम हार्ली डेविडसन जैसी लगती है। आप इसके अंदर पैनियर वाला लगा दो भाई, कोई कह नहीं सकता ये रॉयल इनफील्ड है। अगली बात कर लेते हैं गाइस इसके और चीज़ों के बारे में। ये जो स्विचेस वाला ना आपके, ये सारे ना मतलब मेटल के है भाई, क्वालिटी है कि भाई इतना पैसा कोई बंदा खर्च कर रहा है ना, तो उसको पता लग रहा है कि क्वालिटी दे रखे बंदे ने, ठीक है। यहाँ पे ये इंडिकेटर के शेल भी है ना, जो ये भी मेटल के हैं। आगे आपको LED लाइट की यूनिट मिल जाती है, और इसके अंदर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, इसके अंदर आपको ना USD फोक्स देखने को मिल जाते हैं, जो आपको GT और इंटरसेप्टर में भी देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। और इसके जो टायर्स वगैरह है वो भी काफ़ी मतलब ब्रॉड है, ऐसा लगता है कि भाई लुक आती है उसके अच्छे से। इंडिकेटर इसके नीचे की तरफ है, ठीक है। और पीछे आपको दोनों साइड वाले सस्पेंशन में देखने को मिल जाते हैं, इसमें मोनोशॉक नहीं आता, लेकिन क्रूज़र बाइक में मैं यही कहूँगा कि दोनों साइड वाले सस्पेंशन ही होने चाहिए। और बाइक थोड़ी हैवी फील होती है, ऑब्वियसली बात है 650 cc की बाइक है, हैवी तो थोड़ी फील होगी, बट इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना गाइस, वो बहुत ज़्यादा टॉप नॉच है भाई। और इसके मेंटेनेंस की बात करते हैं, देखो मेंटेनेंस का इसका ऐसा हिसाब है कि 650 cc की बाइक है, ठीक है, रॉयल इनफील्ड में इसकी सर्विसिंग कराना जाओगे ना, कम से कम आपको लगवाएगी, पेड सर्विस की बता रहा हूँ, 4 से 5 हज़ार रुपये में इसकी सर्विस भी हो जाती है मेरे हिसाब से ना भाई बिल्कुल ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। इतनी इतनी बड़ी बाइक आप ले रहे हो और 650 cc की बाइक है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल जायज कॉस्ट है इतनी कि इतनी मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी लग रही है, ठीक है। और बात कर लेते हैं, इसकी एक्सेसरीज़ काफ़ी अवेलेबल है, कुछ तो इसमें लगी भी हुई है, बैक रेस्ट वाला सारा चेंज है, ठीक है, स्टॉक अलग आता है, ये चीज़ अलग है। इसके अंदर लेग गार्ड भी दूसरा लगा हुआ है, ठीक है, और ये इसके अंदर लाइट्स भी अलग से लगाई हुई हैं,
और इसके अंदर एक कलर आता है ग्रीन वाला, मेरे को ज़्यादा पर्सनल फेवरेट, मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। आप भी उसकी तरफ जा सकते हो, मतलब एक थोड़ा डार्क ग्रीन ग्रीन सी है वो, ठीक है। शोवा के इसके अंदर आपको सस्पेंशन मिल जाता है, डुअल डीसीए गाड़ी है, आगे आपको बड़ी सी विंड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। इसका बेस वेरियंट भी आता है, इसका टॉप वेरियंट है ये, ठीक है। और इसकी प्राइसिंग लगभग भाई आपको पड़ जाएगी, प्राइसिंग गाइस आपको इसकी देखने को मिल जाएगी 4 से 4.5 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली के बता रहा हूँ, आपके स्टेट की अलग हो सकती है, ठीक है। और फीचर लोडेड गाड़ी है, मतलब एक बेसिक फीचर जो रॉयल इनफील्ड प्रोवाइड करती है वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। इसके फुटपैक की पोजीशनिंग आप देख सकते हो काफ़ी सही है, मेरे ऐसा लगा इस सीट के अंदर आपको कोई ऑल्टरेशन करनी नहीं पड़ेगी। देख सकते हो गाइस ये मीटियोर है, सुपर मीटियोर मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। ये मीटियोर है 350, ये सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ आती है, ठीक है। और ये छोटी दिखती है उससे थोड़ी, विंडस्क्रीन वाला नहीं है, बाकी आपके ऊपर है, ऐड ऑन कराना चाहो फीचर्स आप ऐड ऑन करा सकते हो। ये मैं कंसिडर करूँगा उनको जो आप डेली ड्राइवर्स होते ना उनके लिए ज़्यादा सही है। मीटियोर मतलब थोड़ी हाई एंड सीसी है ना, तो थोड़ी हीटअप ज़्यादा होती है सिटी वगैरह में। मेरे हिसाब से आप अगर डेली ड्राइविंग के लिए लेना चाहते हो तो ये नॉर्मल वाली 350 लो, जिसमें आपको नया जे सीरीज़ वाला इंजन मिलता है, ये सारे सेम ही इंजन शेयर कर रही हैं, ठीक है। और काफ़ी इसकी भी अच्छी लुक डिसेंट आ जाती है, रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है इसकी भी, रिलायबल बाइक है इसकी, सच कोई कंप्लेन है नहीं। इसका भी 13-14 लीटर का फ्यूल टैंक है और माइलेज ही आपको दे देती है वही 30 से 35 के बीच में। और ऑन रोड प्राइस इसकी दिल्ली में भी पड़ जाती है, 2 लाख के करीब पड़ जाती है गाड़ी, कम में ही पड़ जाएगी, आपके वेरिएंट के ऊपर डिपेंड करता है। और एलॉय व्हील्स आते हैं इसके अंदर, ट्यूबलेस है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सही चीज़ है, इसके ऊपर जा सकते हो। तो गाइस ये था मीटियोर्स का रिव्यू आपके लिए, कुछ आपको दिक्कत लगी हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मेरे को कुछ छूट गया हो तो आप वो भी पूछ सकते हो, आपको कुछ ऐसा पता हो जो हमें नहीं पता तो बाकी लोगों की हेल्प हो जाएगी आप वो बता सकते हो। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।